हाय फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कुक विद परी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चूड़ा नमकीन, जो बहुत टेस्टी बहुत लाजवाब बनने वाली है दोस्तों, और बहुत हेल्दी भी होगी दोस्तों, जिसे खा करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा वीडियो कैसा लगता प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चूड़ा नमकीन, जो आज हम बनाएंगे सूजी से। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कप सूजी लिया हुआ है। सूजी आपके घर में जो सूजी हो, मोटी पतली कोई भी सूजी हो, आप उसको ले सकते हैं। वज़न में हमारी ये लगभग 250 ग्राम है। और अब हम ये बर्तन लेते हैं, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी एक कप नाप के। जितनी सूजी ली उससे सवा गुना हम पानी ऐड करेंगे इसमें। और अब हम गैस में इसको पानी को गर्म कर लेते हैं। और ये देखिए पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सूजी ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेना है ताकि पानी और सूजी हमारा अच्छे से दोनों मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया सा हमारा मिल के रेडी हो चुका है। तो हम इसको ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल के सेट हो जाए। और अब हम कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में हम ऑयल ऐड कर देते हैं। और ऑयल के साथ अब हम ऐड कर देते हैं बादाम, जो हमने कुछ बीच से कट कर लिए हैं। और उसके साथ ही ऐड कर देते हैं काजू, काजू भी हमने 15 से 20 लिए हैं, 15 से 20 हमारे बादाम हैं। दोनों चीज़ें, दोनों को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए बादाम काजू हमारे फ्राई हो चुके, तो इनको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और अब हम उसी तेल में मखाने तल लेते हैं। और मखाने के साथ हम कुछ ले लेते हैं किशमिश। और अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए किशमिश और मखाने हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तब इसमें हम ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता दोस्तों, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे चूड़ा नमकीन में। और अब अच्छे से हम सारी चीज़ों को भून लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं खसखस, हमने लिया है 2 बड़े चम्मच, उसको हम ऐड कर लेते हैं। उसको भी हम भून लेते हैं अच्छे से, ये देखिए। और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने काजू और बादाम भुने थे, उनको भी हम ऐड कर देते हैं। और ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट हमारे भुन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार नमक, उसके साथ हम ऐड कर देते हैं काला नमक, अमचूर पाउडर और चाट मसाला पाउडर। और अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ड्राई फ्रूट हमारे भुन के रेडी हो चुके हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मैंने बॉयल किया हुआ आलू लिया है, 3 आलू लिया है मैंने। तो अब हम सबसे पहले आलू को हम क्रस कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए, जिससे आलू में हमारे एक भी लंग्स ना रहे। और ये देखिए दोस्तों, आलू हमारा क्रस होकर एकदम बढ़िया सा रेडी हो चुका है। और अब हम सूजी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए सूजी भी हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। तो उसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच ऑयल हम ऐड कर देते हैं, जिससे कि सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत सॉफ्ट पन बना रहे। और इसको हमको आटे के तरीके गूंथ लेना है इस तरीके से। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू, जो हमने क्रश किया हुआ था। और अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमको गूंथ लेना है। और ये देखिए दोस्तों, डो हमारा अच्छे से गूंथ के रेडी हो चुका है। तो अब हमने मशीन लिया हुआ है ये, और अब हम मशीन को ग्रीस कर लेते हैं इस तरीके से। और ये देखिए अब हम सूजी का एक लोई टाइप में बना लेंगे बड़ा सा, और अब हम इस तरीके से लंबे शेप में। और अब हम मशीन में इसको रख देते हैं इसी तरीके से। तो मशीन को अब हम बंद कर देते हैं और चलते हैं कढ़ाई की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इस मशीन की सहायता से सेव बना सकते हैं।
ये देखिए इस तरीके से। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, ताकि जिससे क्या होगा कि सेव जो हमारी होगी वो एक दूसरे में चिपकेगी नहीं। ये देखिए इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके बना लें। और ये देखिए दोस्तों इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम पलट देते हैं और अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों सेव हमारी अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम बहुत बढ़िया सी एकदम मार्केट स्टाइल वाली हमारी बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए। और इसी तरीके से हम सारी भुजिया बना करके रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारी भुजिया बनके रेडी हो चुकी है एकदम बहुत बढ़िया सी, बहुत क्रिस्पी, बहुत कुरकुरी और एकदम मार्केट स्टाइल, जिसे खा करके दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बाउल लिया है, अब हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। और ये देखिए कितनी कुरकुरी एकदम बहुत बढ़िया क्रिस्पी, ये देखिए एकदम बहुत कुरकुरी हमारी सेव बन के रेडी हुई है दोस्तों। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे उनको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है दोस्तों, एकदम मार्केट स्टाइल टेस्ट आने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बना करके एकदम मार्केट स्टाइल नमकीन घर पर खा सकते हैं। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए दोस्तों हमारी नमकीन एकदम बढ़िया सी क्रिस्पी, बहुत कुरकुरी, एकदम चूड़ा नमकीन बनके रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से आप मार्केट स्टाइल चूड़ा नमकीन आप घर पे बना करके एकदम कोई भी ओकेजन हो कभी भी आप बना करके खा सकते हैं, कोई भी गेस्ट आए तो भी बना करके खिला सकते हैं। और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 2 महीने तक आप इसी तरीके से क्रिस्पी नमकीन आपकी बनी रहेगी दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।